देखते हैं यहाँ तक जाता है ही नहीं जाता, जा तो रहा है, एक ही कैंडल जा रहा है। अरे भाई यार ऐसे ही चला जाए, जाए अभी देखते हैं। चल चल बेटे चल चल। आज भी बढ़िया ही है, अच्छा मौसम है आज भी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम राकेश प्रसाद, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। टेस्ट अभी टाइम हो रहा है 1:17 और मैं अभी मार्केट में थोड़े देर पहले आया, जिसमें से मैंने एक ट्रेड कर लिया। मैं बेड पे बैठे बैठे सुबह से ट्रेड कर रहा था, लेकिन मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। मार्केट दो दिन से साइडवेज बिहेव कर रहा था और आज ट्रेंडिंग हुआ, तो मेरे को मतलब मेरा एंट्री देने से पहले मेरा टारगेट दे रहा था। मैं एंट्री एक ट्रिगर पॉइंट लगा रहा था कि यहाँ पर मैं एंट्री करूँगा, वो मार्केट उस एंट्री पॉइंट पर आ ही नहीं रहा था और आने से पहले मेरा टारगेट दे रहा था। तो मतलब कि आज मार्केट एकदम सुपर ट्रेंडिंग है और मेरे को अभी लास्ट में एक ट्रेड मिला जिसको मैंने कैप्चर नहीं किया। अब मैं कोई ट्रेड करूंगा तो उसको कैप्चर करके आपको दिखाऊंगा। तो मैं अभी चलता हूं, आपको दिखाता हूं मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा और किस तरीके से हम कोई ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मैं अभी ट्रेड जैसे ही प्लान करूंगा वो आपको लाइव करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं लाइव करके दिखाता हूं इसीलिए मैं लाइव आपको मैं वो कैप्चर नहीं कर पाया, तो मैं उसे दिखा नहीं सकता। अब मैं लाइव करूंगा तो लाइव आपके सामने दिखाऊंगा कि इस तरीके से मैंने ट्रेड लिया और इस तरीके से मैं उसमें निकला। तो इसका बिहेवियर दिखाता हूँ किस तरीके से मार्केट अभी बिहेव कर रहा है, ठीक है। ये सब आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो ये निफ्टी का चार्ट है ना, निफ्टी का चार्ट है। यहीं पे एक बगल में बैंक निफ्टी का चार्ट है और यहीं पे मैं ऑप्शन चेन देखता हूँ, मतलब एक ही विंडो पे मैं देखता हूँ। तो किसी के पास अगर तीन विंडो होगी तो वो यहाँ पे ऑप्शन चेन देखेगा, यहाँ पे वो ट्रेडिंग व्यू देखेगा, यहाँ पे वो बैंक निफ्टी का चार्ट देखेगा, यहाँ पे वो ये सारी चीज़ देखेगा। तो अभी मेरे पास इतने ही स्क्रीन है, तो इतनी स्क्रीन में ही मुझे देखना पड़ेगा। किसी के पास 5-6 स्क्रीन है तो वो यहाँ स्क्रीन लगा के हर एक चीज़ें अलग अलग देखता है। तो यहाँ पे मेरे पास अगर ये स्क्रीन नहीं थे पहले तो मैं इसी में सब कुछ देखता। जैसे मैं आप देखोगे यहाँ पे मैंने निफ्टी खोल रखा है, ये कर दूंगा तो बैंक निफ्टी हो जाएगा, ये खोल दूंगा तो ट्रेडिंग ट्रिक हो जाएगा ऑप्शन चेन, और यहाँ पे और आगे खोल दूंगा तो HDFC बैंक निफ्टी सब हो जाएगा। तो एक ही स्क्रीन में मैं पहले देखता था, तो लोगों को जरूरत नहीं है इतनी सारी स्क्रीन की। आप एक स्क्रीन में पहले बैक टेस्टिंग कर सकते हो, पहले थोड़ा बहुत ट्रेड कर सकते हो, जब आपको लगेगा कि हाँ अब मैं थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबल हो रहा हूँ धीरे धीरे, तो आप ये सारी चीज़ें ले सकते हो। तो चलो यहाँ पे दिखाता हूँ निफ्टी का चार्ट है ये। यहाँ पे देखो निफ्टी यहाँ खुला, एक मस्त सा ट्रेंड दिया यहाँ से, उसके बाद एकदम बढ़िया से ट्रेंड देता हुआ गया, एकदम बढ़िया से ट्रेंड दिया। मैं आपको देता हूँ निफ्टी में मैंने PE का यहाँ पे शॉर्ट करने का, मैंने PE बाय करने का सोचा था। ये PE का चार्ट है, आप देख सकते हो पुट का चार्ट है। मैंने यहाँ पे PE बाय करने का सोचा था, मैंने सोचा था थोड़ा सा नीचे आए तब मैं बाय करूँ, ये आया ही नहीं, यहीं से खुला और ये डायरेक्ट मेरा टारगेट दिया। फिर मैंने यहाँ पे एक कैंडल बना, यहाँ पे मैंने सोचा था इस वाले लेवल पे कि ये जब ब्रेक हुआ तो मैंने सोचा यहाँ पे एक ट्रेड लूँ, जैसे ही मैंने सोचा कि थोड़ा सा नीचे आ जाए ताकि मेरा SL प्रॉपर हो जाए इस कैंडल के नीचे, लेकिन नहीं आया, सीधा मेरा रेजिस्टेंस तक चला गया, टारगेट दिया। अभी क्या हुआ कि अभी मेरे को यहाँ पे मेरे को एक ट्रेड मिला जो कि मैंने सोचा थोड़ा सा नीचे आए, और वो जो कि आया, देखो आप ध्यान से, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, मैंने सोचा थोड़ा सा नीचे आया, जैसे ही यहाँ पे नीचे आया मैंने ट्रेड लिया और यहाँ तक का मेरा टारगेट अचीव हो गया 1:3 का। तो चलो कोई बात नहीं, वो मैंने कैप्चर नहीं किया तो उसको छोड़ते हैं अभी, अब देखते हैं दूसरा कोई ट्रेड मिलता है तो करेंगे। देख सकते हो यहाँ पे मार्केट अभी इस तरीके से बिहेव कर रहा है, निफ्टी इस तरीके से चल रहा है। मैं अगर इसको ऐसे करूँ तो आप यहाँ पे देखोगे तो एक साइडवेज अब बिहेव कर रहा है, ये सब रेजिस्टेंस के नीचे है, मतलब कि अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बन चुका है, अब इसके नीचे अब यहाँ पे कोई ट्रेड मिलेगा तो मैं करूँगा। अब रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, तो ये भी यहाँ तक जाने का इसका पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ तक जाए, ये थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करके बीच में ट्रैप करके फिर यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। तो देखते हैं जो भी होगा हम यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे जो भी हमें मिलेगा। अब हम ऑप्शन चेन की बात कर लेंगे, सब डाटा क्या है। तो यहाँ पर आप सीधा जाओ, यहाँ पर आप सीधा लिखो, ज़्यादा कुछ नहीं, आपको यहाँ पर लिखना है ट्रेडिंग टिक। ये देख सकते हो आप ट्रेडिंग टिक, ये ट्रेडिंग टिक लिखोगे, फ्री वेबसाइट है, ट्रेडिंग टिक लिखोगे जैसे ही ये आ जाएगा। यहाँ पे जाओ कॉल वर्सेस पुट OI, मतलब कॉल वर्सेस पुट OI हमें देखना है कि इसमें क्या है, मतलब कि कॉल सेलर ज़्यादा हावी है कि पुट सेलर ज़्यादा हावी है। तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो सिंबल आ गया, यहाँ पे तीन हमारे वो हैं इंडेक्सेस हैं, निफ्टी बैंक एंड फिन निफ्टी, तीनों में ट्रेड होता है, निफ्टी बैंक फिन निफ्टी। ये तीनों को हमें देखना है कि ये तीनों क्या है, मेजर बुलिश है कि मेजर बियरिश है, तो हमें देखना है। तो हम अगर बात करें सबसे पहले कि हम देखते हैं सबसे पहले भाई निफ्टी का क्या चल रहा है। देखो यहाँ पे गए सीधा, यहाँ पे जाके हमने कर दिया निफ्टी, यहाँ पे निफ्टी पे गए तो हमें पता चला कि ये देखो कॉल सेलर कितने ज़्यादा हैं एंड पुट सेलर कितने कम है, समझ रहे हो आप मेरी बात को। कॉल सेलर ये देखो यहाँ पे, ये कॉल सेलर, इसका मतलब कॉल सेलर होता है, देखो कॉल लिखा हुआ है ये, और इसका मतलब पुट होता है, पुट लिखा हुआ है, ठीक है। तो कॉल सेलर कितने ज़्यादा हैं, देखो कॉल में ओपन इंटरेस्ट कितना ज़्यादा है, कॉल मतलब कि जो सेलर्स हैं
जो सेलर्स हैं कॉल को कितना ज़्यादा सेल कर रहे हैं। जब सेलर्स कॉल को सेल कर रहे हैं तो मार्केट नीचे जाता है, और जब सेलर्स पुट को सेल करते हैं तो मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है, ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर्स होते हैं ना मार्केट में, आपको पता है ना, ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर्स होते हैं। तो ऑप्शन बायर जो, जैसे हम हैं ऑप्शन बायर है, हमें अगर मार्केट को ऊपर ले जाना है तो हम क्या खरीदेंगे, पी खरीदेंगे। ठीक है, मतलब सॉरी सी ही खरीदेंगे, अगर मार्केट को ऊपर ले जाना तो हमें सी ही खरीदेंगे, और मार्केट को अगर नीचे ले जाना तो क्या खरीदेंगे, पुट खरीदेंगे। लेकिन कॉल सेलर क्या करते हैं, अगर मार्केट को उनको ऊपर ले जाना है तो वो क्या करेंगे, पुट को बेच देंगे, और अगर ऑप्शन सेलर अगर उनको मार्केट को चाहते हैं वो नीचे ले जाएं तो कॉल को बेच देंगे। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे देखो कॉल सेलर ज़्यादा है तो कॉल को ज़्यादा बेच रहे हैं, तो निफ्टी बियरिश है, निफ्टी बहुत ज़्यादा बियरिश है। तो यहाँ पे देखो निफ्टी सच में बियरिश है, देख रहे हो ये निफ्टी का चार्ट है, ये निफ्टी बियरिश है या नहीं है, हाँ बियरिश है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी किस तरीके से बिहेव कर रहा है भाई, बैंक निफ्टी का डाटा क्या कह रहा है। तो यहां पे गए हमने सीधा बैंक निफ्टी का लगा दिया, तो बैंक निफ्टी में भी कॉल सेलर ज्यादा है, मतलब कि क्या है, बैंक निफ्टी भी बियरिश है। ठीक है, तो यहां पे गए हमने देखा भाई बैंक निफ्टी क्या है, तो देखो बियरिश है बैंक निफ्टी, हमें पता चल गया कि बियरिश है, यहां पे खुला, यहां पे खुला या ऊपर जाके फिर बियरिश हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई फिन निफ्टी क्या है, फिन निफ्टी भी पता कर लेते हैं कि भाई फिन निफ्टी बियरिश है कि बुलिश है। फिन निफ्टी भी देखो भाई बियरिश है, ठीक है, यहाँ पे भी कॉल सेलर ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है, मेजर जो इंडाइसिस हैं, मेजर जो डाटा है वो बियरिश है, नीचे के साइड है। तो हमें कहाँ तक ट्रेड लेना है, नीचे के साइड ट्रेड लेना है, हमें कौन सा ट्रेड लेना, पुट खरीदना है, ज़्यादा पुट खरीदने का ध्यान देना है, ना कि कॉल का ध्यान देना। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। देखो जब आप टेक्निकल एनालिसिस प्लस डाटा दोनों को मिला के मार्केट को देखते हो तो 360 डिग्री में देख पाते हो, समझ रहे हो आप मेरी बात को। आपने टेक्निकल एनालिसिस प्लस डाटा को मिला दिया, फिर आपने देखा मार्केट को कि हाँ मार्केट अब क्या कह रहा है। अच्छा, टेक्निकल एनालिसिस कह रहा है बाय करो, टेक्निकल एनालिसिस कह रहा है बाय करो, और आपको डाटा कह रहा है कि भाई सेल करो, क्या करोगे बताओ। टेक्निकल एनालिसिस कह रहा है कि बाय करो और डाटा कह रहा है कि भाई सेल करो, क्या करोगे। वहाँ पे आप हो सके, अगर आप रिस्की ट्रेडर हो तो वहाँ पे आप कम क्वांटिटी से ट्रेड करोगे, मतलब कि आप अगर दो लॉट से ट्रेड करते हो तो वहाँ पे आप कितने लॉट से ट्रेड करोगे सर, वहाँ पे आप ट्रेड करोगे सर एक लॉट से, समझ रहे हो आप मेरी बात को। अगर मार्केट कह रहा है कि भाई सेल करो और डाटा भी कह रहा है सेल करो, तो आप क्या करोगे उस समय, वहाँ पे आप फुल कन्विक्शन के साथ ट्रेड करोगे, समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो ये चीज़ें हैं, तो अभी देखते हैं, अभी मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा, तो आप बने रहो वीडियो में। ठीक है, प्लान कर रहे हैं हम, और यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड प्लान किया है, जो कि है, इसमें मैं आपको SL बताऊँ तो SL बिल्कुल छोटा लेंगे हम, बिल्कुल ₹5 का SL है इसमें। ठीक है, ₹5 का SL, अभी मैंने ट्रेड लिया नहीं है, मैं ट्रेड लेता हूँ तो बताता हूँ, यहाँ तक का SL। अब मैं ट्रेड यहाँ प्लान कर रहा हूँ, यहाँ ट्रेड मैंने ले लिया, ठीक है, ₹5 का SL है, बस थोड़ा सा अगर नीचे आ जाए तो SL हमारा हिट हो जाएगा, लेकिन जो कि वो आया नहीं है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो अगर थोड़ा सा नीचे आ जाएगा तो SL हिट हो जाएगा, लेकिन उसने SL हिट किया नहीं है हमारा। एंड हमारा टारगेट इसमें जो है ₹5 का SL है, एंड इसमें टारगेट जो है वो थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, जो कि है ₹37 का। ठीक है, 1:7 का टारगेट है, अगर आप देखेंगे तो 1:7 का टारगेट है। लेट्स सी ये हमारा टारगेट अचीव होता है या नहीं होता, जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। इतना कर सकता हूं कि अगर ये मेरे ट्रेड ऊपर का लिया है, अगर ये अगेंस्ट जाने लग गया, मेरे SL पे आ गया, तो बस इसको कट कर सकता हूं, बस मेरी ड्यूटी ये है, बस मेरी ड्यूटी ये दी गई है कि भाई जब आप ट्रेड ले लिया आपने, अभी SL पे आ जाए तो कट कर देना, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना हमें। तुम्हें ये ट्रेड क्यों लिया गया, यहाँ पे देखोगे एक रेजिस्टेंस पे निफ्टी ने यहाँ पे बनाया, रेजिस्टेंस पे जाके इसने एक क्या बोलते कैंडल बनाया एकदम सुपर बियरिश टाइप की। बैंक निफ्टी थोड़ा सा जो है वो भी रेजिस्टेंस पे है, इसीलिए मैंने पुट के साइड ट्रेड लिया है। और जो मैंने आपको बताया था क्या बोलते हैं डाटा, फिन निफ्टी का अगर आप डाटा देखो तो कॉल सेलर ज़्यादा है, तो फिन निफ्टी बियरिश है। एंड बैंक निफ्टी की बात करोगे तो बैंक निफ्टी भी लगभग बियरिश ही है, आप देखोगे इसमें भी कॉल सेलर ज़्यादा है। एंड बात करें निफ्टी की तो भाई देखो निफ्टी भी जो है वो बियरिश ही है, आई थिंक मेरे ख्याल से, हाँ देखो निफ्टी भी बियरिश है, तो इसीलिए हमने बियरिश साइड में ही पुट का ट्रेड लिया है। अब देखते हैं ये ट्रेड हमारा SL देता है या क्या देता है, जो भी ट्रेडर्स ये देख सकते हो सीधा यहाँ पे आके बिना SL दिए ये यहाँ पे टारगेट देने की कोशिश कर रहा है। अभी अगर आप बात करें तो अभी इसने कितना टारगेट हमें दे दिया है, तो लगभग 1:3 का टारगेट इसने हमें दे चुका है, ये हमें दे चुका है, ₹5 का SL है एंड ₹19 का टारगेट हमें ये दे चुका है। अभी हमारा टारगेट ये वाला रेजिस्टेंस है, इसीलिए हमने इसको होल्ड किया हुआ है, नहीं तो हम यहीं पे बेच सकते थे। अब ये यहाँ तक जाए तो हम इसको बेचेंगे, अब देखते हैं यहाँ तक जाता है या नहीं जाता, जा तो रहा है, एक ही कैंडल जा रहा है, अरे भाई यार ऐसे ही चला जाए, अभी देखते हैं, चल चल बेटे चल।
चल 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 बेटे चल बेटे बोल रहा हूँ मैं इसको यार, ये रुलाता भी है लेकिन कोई बात नहीं। वो भाई साहब, भाई मैं यहाँ पे अब एग्ज़िट कर रहा हूँ, ठीक है एग्ज़िट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, एक सेकंड मैं यहाँ पे एग्ज़िट करता हूँ, मैं यहाँ पे एक सेकंड मैं यहाँ पे एग्ज़िट करता हूँ, एक सेकंड थोड़ा सा ऊपर और चला जाए, थोड़ा सा ऊपर, चलो यार एग्ज़िट करता हूँ। फ्रेंड्स काफ़ी टाइम वेस्ट करने के बाद इतनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिली, मतलब मज़ा आ गया, मतलब ऐसे ट्रेड अगर रोज़ मिलने लग गए ना तो भाई क्या कहना क्या कहना, फिर तो बस अकाउंट डबल पे डबल होंगे। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे ट्रेड कभी कभार मिलते हैं, और आई होप आपने देखा हम कम ट्रेड करेंगे, हमारे एसएल हिट होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन जब आपका प्रॉफिट हो तो आपके एसएल से 8 गुना ज़्यादा 5 गुना ज़्यादा जब हो तब बढ़िया रहेगा। यहाँ पे आप देखोगे तो ये 1:8 का टारगेट है, समझ रहे हो आप मेरी बात को, 1:7-8 का टारगेट लिया है, मतलब कि 7 गुना ज़्यादा 8 गुना ज़्यादा प्रॉफिट हमने किया है। तो एसएल यार क्या दिक्कत है, एसएल दो ना मार्केट को, लेकिन जब प्रॉफिट लो तो मार्केट से दबा के लो, 2 गुना ज़्यादा 4 गुना ज़्यादा 5 गुना ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप ले सकते हो ना मार्केट से उतना लेने की कोशिश करो और देते रहो मार्केट को, समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो बस आपका जो प्रॉफिट होना चाहिए वो आपके एसएल से बहुत बड़ा होना चाहिए, या फिर बड़ा होना चाहिए, बहुत बड़ा या फिर बड़ा होना चाहिए, छोटा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब आप 1 रुपये मार्केट को दे रहे हो तो 2 रुपये मार्केट से लो, जब ऐसे आप करोगे ना तो मार्केट में आप सस्टेनेबल हो जाओगे, आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, आज नहीं होगे कल होगे लेकिन हो जाओगे, ठीक है। तो देखते हैं अब क्या करते हैं, थोड़ा खाना खा लेते हैं यार, अब बहुत देर से मैं वेट कर रहा था, बहुत टाइम से मैं वेट कर रहा था। अभी मार्केट में आप टाइम देखोगे तो ये 3-4 हो गए हैं, 3 बजे के बाद ये बेस्ट मूव आया और मज़ा आ गया। अब देख फ्रेंड्स छत पे चलते हैं, और छत पे चल के देखते हैं कि आज का मौसम कैसा हो रहा है और क्या हो रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको। आज भी सही मौसम हो रहा है, मतलब बढ़िया है, अगर मैं आपको दिखाऊँ आज मौसम तो आज भी सही मौसम हो रहा है, आप देखेंगे तो ठीक है यार, अपना टारगेट अचीव हो गया और अब हम ट्रेड नहीं कर रहे। देखो कभी कभार ना तुम्हें बेस्ट ऑफ कभी कभार तुम्हें अच्छी ट्रेड मिलेंगे, बस आप थोड़ा रिस्क को छोटा रखो, और थोड़ा सा जो है मैं आपको छत पे लेके चलता हूँ, छत पे भी हवा अच्छी आ रही है, मैं लेके चलता हूँ आपको और मैं दिखाता हूँ। लोग तो नहीं है, कोई तो नहीं है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग दिखाता हूँ। आज भी मौसम बढ़िया ही है, एनवायरनमेंट आज भी बढ़िया ही है, अच्छा मौसम है आज भी। बस ये देख सकते हो खाना आ चुका है, सब्जी और चावल, एंड ये ट्रेड अभी तक ये जा ही रहा है ऊपर, देखते हैं कहाँ तक जाता है। और यहाँ पे अभी अपना थोड़ा सा बिग बॉस देखते हुए खाना खाएंगे, देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते, मैं जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, और ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कमेंट जरूर करना कि आपने आपको सीखने को क्या मिला, जो भी सीखने को मिला कमेंट करना, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। विद दिस थैंक यू सो मच, बाय।